बीते मंगलवार को देश की जनता ने पहली बार गांधी की धरती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सुपर नेचुरल अट्रैक्टिव फेस देखा। सिर्फ 7 मिनट के लिए वो मंच पर लाई गईं, जिसका कार्यक्रम अचानक से तय हुआ था। गुजरात में बीते मंगलवार को कांग्रेस की कोई रैली नहीं थी, लेकिन किसी जानकार ने सोनिया गांधी के कान में मंत्र फूका कि प्रियंका और राहुल से अचानक रैली कराइए और नेता के साथ साथ बतौर माँ अपने दोनों औलादों की रियल क्वालिटी देखिए और समझिए कि देश की कमान किसके हाथ में होनी चाहिए। प्रियंका मंच पर केवल 7 मिनट के लिए आईं और मुस्कुरा कर जिस तरह से नरेंद्र मोदी का बैंड बजाया, उसे देखकर बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी गदगद हो गए। वहीं राहुल ने इस सरकार की तानाशाही का हवाला देकर मोदी पर हमला बोला। सोनिया ने दोनों बच्चों के एक्शन लाइव देखे, लेकिन कहा कुछ नहीं। इसी के साथ सियासी फलक पर एक सवाल तैरने लगा कि वोटरों को कातिलाना अंदाज में लुभाने वाले प्रियंका को बड़े कैनवस पर आने और छाने से कौन सा पंजा रोक रहा है और क्यों रोक रहा है। सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। पहला तो यही कि आखिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को मजबूती करने की कुवत रखने वाली प्रियंका सक्रिय राजनीति में आने के बावजूद बहुत सक्रिय क्यों नहीं देखा जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी प्रियंका कांग्रेस की रैलियों से क्यों नदारद रहती है। सबसे बड़ी वजह तो पहली नजर में सोनिया गांधी ही नजर आती हैं, जो एक आम भारतीय की तरह बेटी से ज्यादा बेटे से मोह लगाई हैं। शायद इसलिए कांग्रेस में राहुल की तुलना में प्रियंका को बेहद कम स्पेस दिया जाता है। दूसरी बड़ी वजह दिखाई देती है कि सोनिया अभी इस चुनाव तक राहुल को ही मोदी के मुकाबले खड़ा दिखाना चाहती है। प्रियंका को वो ट्रंप कार्ड मानकर साल 2024 के चुनाव तक बचाए रखना चाहती है। इस चुनाव में कांग्रेस को प्रियंका को झोंकने में ज्यादा फायदा नहीं दिखता। विरोधी पार्टियां खुलकर भले ही प्रियंका की मजबूती को स्वीकार ना करें, लेकिन बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी मानती है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां पिछले चुनावों तक प्रियंका अमेठी और रायबरेली से अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करती रही थी, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस प्रियंका को अगली कतार में रखना तो चाहती है, लेकिन उसे यह भी है कि वो राहुल गांधी से आगे ना निकल जाएं। कांग्रेस को शक है कि प्रियंका सार्वजनिक मंचों पर लोगों से मुखातिब होती रही तो मैदान मार ले जाएंगी। कारण ये कि समर्थक और काफी हद तक कार्यकर्ता भी प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि को तलाशने में लगे रहते हैं। भले ही इंदिरा गांधी का कुशल प्रशासन और आयरन लेडी वाली बात प्रियंका में ना हो, लेकिन भावनात्मक तौर पर और अपने भाषणों से वो काफी हद तक इंदिरा गांधी की तरह प्रभावित कर सकती हैं। आकाश शुक्ल, लखनऊ।